नमस्कार साथियों, जन सरोकार मंच के इस पटल पर सीधी सच्ची बात कार्यक्रम की श्रृंखला में जो विचार सबको लेकर आज जोड़े हुए है, और जोड़े हुए इस रूप में है कि सभी इकाइयां, हर मनुष्य कहीं ना कहीं इस बात से परेशान है कि उसके आसपास, उसके अंदर, उसके बाहर सांप्रदायिकता का माहौल है जिसमें वो जीने को मजबूर है। आज इसी बात को लेकर हमारे बीच डॉक्टर मनु शर्मा हमारे साथ हैं, जो एक शुद्ध विचारक हैं और सीधी बात कहने में विश्वास रखते हैं, और एक पुस्तक हमारे बीच में है जो डॉक्टर साहब प्रकाश चंद जी जैन ने लिखी है, भारत संस्कृति और सांप्रदायिकता। ये पुस्तक जो है इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस पुस्तक में जैन साहब ने भारत की संस्कृति को साथ रखते हुए सांप्रदायिकता की स्थितियों को एनालिसिस किया, उनकी विवेचना की है, और अपने मंतव्य भी इस पुस्तक को सामने लाने के स्पष्ट किए हैं। इसी कड़ी में मैं बात शुरू करना चाहूंगा। प्रथम मैं आदरणीय डॉक्टर साहब मनु शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो सांस्कृतिक परिवेश तो अपना जो रहा है, हर देश का, हर जाति, हर धर्म का रहा है, लेकिन बात सांप्रदायिकता की आती है तो क्या आज ही ऐसा हुआ है या पहले भी होता ऐसा रहा है? इस विचार को लेकर जैन साहब से कुछ प्रश्न करें या उसके उत्तर अपने सामने आए कि इसकी जड़ें कहां तक रही और कब से शुरू हुई। क्या मध्यकाल में भी ऐसी स्थितियां थी, उससे प्राचीन काल में भी ऐसी स्थितियां बनी, और उनके क्या निराकरण सामने आए? तो मनु शर्मा साहब से मैं आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात, कुछ प्रश्न अपने जैन साहब के सामने रखें। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार साथियों, जन सरोकार मंच की ओर से सीधी सच्ची बात कार्यक्रम की जो श्रृंखला है, इसमें आज हम डॉक्टर प्रकाश चंद जैन से वार्ता कर रहे हैं। मैं डॉक्टर पीसी जैन का संक्षेप के अंदर परिचय देना अपना फर्ज समझता हूं। ठीक है। डॉक्टर पीसी जैन राजस्थान उच्च शिक्षा सेवा से लंबे समय तक जुड़े रहे, और सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर पीसी जैन लेखा एवं सांख्यिकी विषय पढ़ाने के साथ साथ जी इतिहास, गांधी दर्शन जी और साहित्य के गंभीर अध्येता रहे। बिल्कुल सही। और अगर मैं ये कहूं कि सेवानिवृत्ति के बाद में डॉक्टर पीसी जैन ने अपनी अभिरुचियों को जो विस्तार दिया है जी, उसी का ये परिणाम है कि उनकी दो पुस्तकें हमारे सामने आ गई हैं जी। एक पुस्तक उनकी जिसकी चर्चा अभी आपके सामने अशोक सक्सेना जी कर रहे थे, भारतीय संस्कृति और सांप्रदायिकता, जो आज हमारी चर्चा के केंद्र में है, और एक दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक जो पिछले वर्षों के अंदर डॉक्टर पीसी जैन ने लिखी है, वो है कश्मीर मिथक और यथार्थ। जी हाँ, ये दोनों पुस्तकें अपनी जगह पर बड़ा महत्व रखती हैं। और चूंकि हमारे देश के अंदर चाहे वो सांप्रदायिकता की समस्या रही हो या जो कश्मीर मुद्दा है उसको लेकर के आजादी के बाद से जिस तरह का एक वैचारिक माहौल
देश भर के अंदर बना रहा हूं, उस सब के बीच ये दोनों पुस्तकें बड़ी पठनीय है और साथ ही साथ विचारोत्तेजक है। तो मैं जैन साहब से ये जानना चाहूंगा आज इस चर्चा के माध्यम से जी, कि भारतीय संस्कृति के ऊपर चिंतन मनन करने के दौरान जैन साहब आपने वे कौन से तत्व हमारी संस्कृति के अंदर सक्रिय देखे जिनकी वजह से हमारे समाज में ये जो सांप्रदायिकता का विचार है, ये सांप्रदायिकता का विचार इतने गहरे तक बैठा हुआ नजर आता है। ठीक। और इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जहां तक राजनीति की बात है तो वो एक अलग पहलू है कि हमारे यहाँ पर जो है वो 1909 के अंदर जब जो है वो पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई और उस पृथक निर्वाचन प्रणाली के लागू करने के और के बाद 1916 के अंदर उस निर्वाचन प्रणाली को कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन के अंदर उन्हें बाकायदा जो है समर्थन दिया और तब से जो है वो हमारे समाज का जो एक बड़ा तबका है जिसको हम मुस्लिम समुदाय कह सकते हैं उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र तय कर दिए गए और जो हिंदू समुदाय है उसके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र तय कर दिए गए। तो एक जो है एक कारण तो ये दिखाई पड़ता है, लेकिन इससे पहले भी क्या हमारे समाज के अंदर इस तरह की प्रवृत्तियां सक्रिय रही हैं, उनके ऊपर आप जो है वो अपने 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 विचारों को हमारे सामने रखें, उनसे उनको साझा करें और हमारे दर्शकों को उनसे अवगत कराएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जन सरोकार मंच का आभार प्रकट करता हूं, साथ ही साथ डॉक्टर मनु शर्मा और टोंक के मूर्धन्य पत्रकार अशोक सक्सेना साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि सीधी सच्ची बात की श्रृंखला में मुझे अपनी बात कहने का आप लोगों ने अवसर दिया। मेरी जो आपने पहली पुस्तक की चर्चा की उसमें पहला जो अध्याय है वो मैंने संस्कृति के ऊपर लिखा है। संक्षेप में जो मैंने अपने अध्ययन में पाया है जी, कि देखिए कोई भी संस्कृति कोई एक ठोस पदार्थ तो है नहीं। बिल्कुल, किसी भी जगह की जो संस्कृति बनती है वो वहां की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जो भी मूल्य होते हैं जो भी सामाजिक गतिविधियां होती है उनसे एक संस्कृति का निर्माण होता है। जैसे समाज में शादी की क्या रीति रिवाज है, क्या त्योहार है, खान पान क्या है, वाणिज्य और व्यापार क्या है, मेले और जो दूसरी सारी गतिविधियां जो समाज को प्रभावित करती है जी, उससे एक संस्कृति का निर्माण होता है। हमारे यहां भी जो बाहर से लोग सदियों से आते रहे, चाहे वो निग्रो हो, ऑस्ट्रिक हो, आर्य हो, द्रविड़ हो,
मंगोल हो, ईरानी हो, यूनानी हो, पर्थियन हो, बैक्टीरियन हो, सीथियन हो, यूची, शक, आभीर, ऊन, कुषाण, तुर्क, ये सब आते रहे। और जो भी जातियां आती रही जी, वो अपने तौर तरीके जीने के, धार्मिक आचार विचार, सामाजिक रीति रिवाज, अपने देवी देवता, अपने गीत संगीत, जो भी वो थे वो लाते रहे और वो हमारे यहाँ की संस्कृति में रच बस गए। कुछ उनके तौर तरीके हम जो यहाँ उनके आने से पहले रह रहे थे उन्होंने अप्लाई, और जो पहले यहाँ से रह रहे थे उनके तौर तरीके आने वालों ने अपनाए। और ये एक संस्कृति बनी, और संस्कृति भी एक, मैं यहाँ टॉलस्टॉय का लाऊंगा बीच में, टॉलस्टॉय ये कहते हैं कि संस्कृति भी कोई एक जड़ वस्तु नहीं है जो एक बार बन गई वो स्थिर हो गई। वो कहते हैं कि संस्कृति भी एक नदी की धारा की तरह है। एक नदी कहीं पर बहुत तेज आवेग में बहती है, कहीं मंथर गति में बहती है, कहीं बहुत गहरी होती है, कहीं बहुत उथली होती है, कहीं गंदी होती है, कहीं स्वच्छ होती है, कहीं उसका जो पाट है वो चौड़ा होता है, कहीं सकरा होता है। इसी तरह से संस्कृतियों में उतार चढ़ाव आता रहता है। और जब जातियों का मिलन होता है तो कुछ आरंभिक वर्षों में कुछ स्वाभाविक तौर पे मानव प्रवृत्ति के तौर पे संघर्ष भी होता है, पर धीरे धीरे मानव स्वभाव यह होता है कि सभी मिलजुल कर रहने की एक संस्कृति विकसित करते हैं। इसमें दिनकर अपनी संस्कृति के चार अध्याय में ये कहते हैं कि जैसे एक काढ़ा बनाते हैं, उस काढ़े में सभी चीजें मिलती है और मिलने के बाद वो एक पेय पदार्थ के रूप में तैयार होती है, उसी तरह से विभिन्न जातियों के समागम से संस्कृति का निर्माण होता है। अब बात ये है कि अपनी संस्कृति की विशेषता क्या रही है? तो मेरे अध्ययन में मैंने ये पाया कि अपनी संस्कृति में जो मूल तत्व मुझे अच्छे लगे वो आर्य मौर्य काल से, अगर मैं शुरू करूं तो अशोक के समय से ही वाद संवाद की परंपरा, अशोक ने जी सभी तरह के विचारधाराओं के लोगों को विश्व स्तर पर एक भारत में पहला एक सम्मेलन आयोजित किया था ताकि सभी बातों पर विचार विमर्श हो सके। ये विश्व का पहला सम्मेलन ठीक है। और आप देखिए वाद, मेरा कहने का मतलब वाद संवाद हमारी यहाँ संस्कृति की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। और ये मैंने बताया जैसे अशोक से लेकर अकबर तक भी रहा है, और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में भी विभिन्न विचारधारा के लोगों में बहुत वाद विवाद होता था, वाद संवाद होता था, और किसी निर्णय पर वो पहुंचते थे। एक बात। दूसरी बात यह है कि अपनी संस्कृति में एक बड़ी प्रचंड पाचन शक्ति पाई गई है कि यहाँ पर जितने भी विचारधारा के लोग आए, यहाँ की संस्कृति ने, यहाँ की जातियों ने उसको अपने में समा लिया। ये बड़ी दूसरी। तीसरी मैंने जो बड़ी विशेषता पाई कि यहाँ बहुमतीयता को बहुत महत्व दिया गया है। ठीक है, हर मत के लोगों को उनके मत को सुना गया है, अपने मत को प्रकट किया गया है, ऐसा नहीं है कि थोपा गया है। रामायण में जैसे एक ब्राह्मण जाबाली ने राम से कहा था कि भाई तू अपने पिता की जो है आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं है,
तुझे शासन मिला है, शासन कर, तो उसको भी स्वीकार किया है। तो अच्छा, ऋग्वेद में भी प्रश्न उठाए गए हैं कि ये पृथ्वी कब बनी, कैसे बनी। तो कहने का मतलब है कि यहां पर बहुमतीयता को बहुत महत्व। चौथी बात, यहां पर केवल संस्कृति में किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व नहीं रहा। आप भक्ति काल में आ जाइए, भक्ति काल में जो भक्त हुए हैं, आप देखिए कबीर जुलाए थे, रेदास चर्मकार थे, नामदेव ये पिछड़ी जाति से थे, इसी तरह से पुरुषों का ही वो नहीं रहा है, स्त्रियों का भी योगदान रहे। भक्ति काल में जैसे मीरा है, ललदिद है, हब्बा खातून है, तो स्त्रियों का भी रहा। दूसरी बात, इसके अलावा आप देखिए कि जब जब समाज में जड़ता या मूर्त आई है, तब तब यहाँ हमारे यहाँ पर समाज सुधार के बड़े आंदोलन भी हुए हैं। भक्ति काल को लीजिए वापस, भक्ति काल में भक्तों ने सारी जो कुरीतियां या जो अंधविश्वास है उनके पर गहरा चोट किया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कहीं भी अगर विवाद है तो लोगों में ये चेतना जगाने के लिए कि भाई ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है और इन बातों को समझो जी। बहुत संक्षेप में ये बातें मैं आपको बता रहा हूं। अब आखिर में जो आए हमारे यहां पर, वो आए इस्लाम को मानने वाले, और इस्लाम को मानने वाले आए अरब और मिडल ईस्ट से। तो इस्लाम के आने से पहले ही हमारे भारत के लोगों का व्यापार अरब और मिडल ईस्ट से शुरू हो गया था। अरब में इस्लाम के आने से पहले ही, यानी वहां के लोग इस्लाम को अपनाए उससे पहले ही यहाँ के लोग वहां जाते थे अपना माल बेचने, और वहां के लोग यहाँ आते थे। पर अरब में जब इस्लाम आया और वहां जब इस्लाम फैला, तो उसके बाद भी वो जो लोग इस्लाम मानने लगे, तो उनको भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस्लाम के मानने की वजह से उनसे व्यापारिक संबंध समाप्त कर लिए, नहीं। आप देखिए कि विश्व में अगर अरब को छोड़ दें अपन, तो दुनिया की पहली मस्जिद केरल में एक हिंदू राजा ने बनाई थी। तो गरीब बताते हैं वो तो 8वीं शताब्दी की मस्जिद है, 8वीं शताब्दी की मस्त। मैं बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि इस्लामी शासक जो आए, इस्लाम को मानने वाले शासक आए, उससे पहले ही इस्लाम भारत में आ चुका था, व्यापारियों के तौर पर आ चुका था। और उसके बाद 11वीं सदी में अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती से जो सूफी परंपरा शुरू हुई, वो फिर परंपरा बहुत आगे लंबी तक जाती है, बहुत लंबी परंपरा है सूफी परंपरा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस्लाम के यहाँ शासकों के आने से पहले ही इस्लाम आ गया था, और यहाँ आने पर भी यहाँ के लोगों में वो उसी तरह से रच बस गए जिस तरह से पहले आर्य, शक, हूण, कुषाण जो भी आए वो रच बस गए वैसे के वैसे। फर्क केवल इतना रहा, फर्क केवल इतना रहा कि ये जो इस्लाम के मानने वाले हैं, इन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, ये इन्होंने अपना इस्लाम रखा। और उसके पहले के जो लोग आए, वो कुछ उनके धार्मिक रीति रिवाज, कुछ यहाँ के धार्मिक रीति रिवाज बन के और एक सनातन संस्कृति बनी, जिन्हें आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। तो इस्लाम के शासक, ये बहुत गलत धारणा है कि इस्लाम यहाँ पर इस्लामी शासकों के तलवार के जोर पर फैला,
इस्लाम 3 शताब्दी पहले ही आ गया, 8वीं शताब्दी में आ गया यहाँ पर, जबकि इस्लामी शासन को 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1192 में मोहम्मद गोरी के आने से स्थापित हुआ है। जी एक आग्रह है जी, मैं आपको बीच में बाधा नहीं खड़ी, नहीं नहीं बिल्कुल, आपका विचार ये है कि हमारे केंद्र में महत्वपूर्ण ये है कि संस्कृति और सांप्रदायिकता में कोई सहज संबंध है क्या, कहीं संस्कृति ही पोषक बन रही है सांप्रदायिकता का? नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं मान, नहीं सांप्रदायिकता जिसे आप कह रहे हैं और जिसे आप संस्कृति कह रहे हैं, संस्कृति जो हमारे देश में है वो ऑलरेडी पहले से विभाजित है, ये जाति संगठन, ये जातिवाद और फिर अपने होने की सत्ता, आदमी की निजी सत्ता, जातीय सत्ता, अपने अपने प्रादुर्भाव की सत्ता, इस सत्ता की मनोभावना ने क्या सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं दिया है? मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए इसको मिलाइए मत, संस्कृति और सांप्रदायिकता तो मिक्स मत कीजिए। मैंने अभी जैसे शुरू में कहा भाई, संस्कृति तो कई अवयवों से मिलके बनती है, जिसमें वहां के रहने वालों के धार्मिक रीति रिवाज भी होते हैं। नहीं नहीं केवल एक बात, तब मेरी बात, जब हमारी संस्कृति इतनी वर्गीकृत है और वही लोग जो उसके पोषक हैं वो ही इस ओर बढ़ गए हैं आगे, चाहे उनके उनके निज हित जो है इतने बड़े हो गए हैं कि अब वो उस समूल संस्कृति या समग्र संस्कृति की बात नहीं करना चाहते, अब वो अपनी निष्ठा पर खड़े हुए हैं। प्रश्न यहाँ ये है जी, जी आपका साम्राज्यवाद कहिए, उपनिवेशवाद कहिए, अपने हिंदुस्तान में राजनीति को लेकर जो जातीय संगठन है, जातिवाद है, वो सब कहीं ना कहीं सांप्रदायिक के रंग में इसलिए ही तो रंग रहे हैं कि उनमें अपने होने की, अपनी सत्ता की भूख ज्यादा पैदा हो गई है। जी मैं बोलूं? जी हाँ, देखिए अपने जो आज विचार विमर्श के विषय के केंद्र में जो है ये पुस्तक है सांप्रदायिकता, संस्कृति और सांप्रदायिकता, आपका आपकी पहली जो बात की संस्कृति, भारतीय संस्कृति को आपने किस तरह से देखा, वो मैंने संक्षेप में आपको बताया कि भाई कुछ खास विशिष्ट संस्कृति, खास विशिष्ट बातें जो है अपनी संस्कृति में है, उसे हिंदू मुस्लिम संस्कृति नहीं कहा जा सकता, भारतीय संस्कृति। अब मैं ये कह रहा हूं क्योंकि केंद्रीय विषय सांप्रदायिकता है और इस पुस्तक का विषय जो केंद्रीय विषय है वो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता है, इसलिए मैं उस पर अगर बात करूं तो आप इजाजत देंगे कि आप सिर्फ इस खेमे में बात करना चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता को हिंदू व्यापक और मुस्लिम, उसको व्यापक व्यापकता में भी ले लेंगे। मैं शुरू करता हूं, देखिए देखिए सांप्रदायिकता इस विश्वास के साथ शुरू होती है कि लोगों को धर्मनिरपेक्ष यानी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुद्दों के लिए धर्म के आधार पर संगठित किया जा सकता है। अब वो धर्म कोई सा भी हो सकता है, हिंदू धर्म भी हो सकता है, इस्लाम भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ठीक है। अब प्रश्न यह है कि ये जो धर्म के आधार पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुद्दों के लिए लोगों को संगठित किया जाना क्या अच्छी बात है या ये यहीं तक ही सीमित रहती है, तो इसके भी 3 चरण हो सकते हैं। देखिए कैसे, पहला चरण यह है
कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई एक ही धर्म के लोगों के सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक हित समान है, ठीक है, ये पहला चरण होता है। नहीं नहीं, क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं ये 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 हम अपने यहाँ जो मैंने अध्ययन में आया है वो उसकी बात बता रहा हूं मैं। दूसरा चरण, फिर मैं आपका कंक्लूड करूंगा। दूसरा चरण ये होता है कि एक धर्म के लोगों के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक हित दूसरे धर्म के मानने वाले अनुयायियों से अलग होते हैं, ये सांप्रदायिकता का दूसरा चरण है, ठीक है। तीसरा चरण, एक धर्म के मानने वाले व्यक्ति के समूह के राजनीतिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक हित दूसरे धर्म के मानने वाले के अनुयायियों के विरोधी होते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले चरण दो जो चरण है उसको हम उदार सांप्रदायिकता कह सकते हैं, ठीक है, मेरी राय में। वो इसलिए कि जब हम बात करें कि जैसे राष्ट्रीय आंदोलन पे आ गया, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रारंभ में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ यहाँ के जो राजनेता जुटे थे, सभी धर्मों के मानने वाले, ये सोचकर जुटे थे कि विदेशी शासन से मुक्ति हमें पानी है, उसके लिए राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से हमारा हित एक है। और अगर मान लीजिए हित भी अलग है तो हमारा दुश्मन एक है। पर खांटी यानी जो बुरी सांप्रदायिकता या जो संकीर्ण सांप्रदायिकता है यानी जो वैमनस्य पैदा करती है, वो उसमें वहां शुरू होती है जब ये सोचते हैं कि एक व्यक्ति के हित और दूसरे व्यक्ति के हित परस्पर विरोधी हैं। और ये सांप्रदायिकता राष्ट्रीय आंदोलन में 1937 से शुरू होती है। 1937 के पहले तक, जैसे मनु जी ने, आप देखिए 1916 का पृथक निर्वाचन प्रणाली पर मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना और कांग्रेस की तरफ से तिलक, दोनों के हस्ताक्षरों से दोनों ने सहमति दी थी, पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया था। लीग अलग थी, कांग्रेस अलग था, पर दोनों धर्म के लीग में मुस्लिम थे, इधर इधर क्या कांग्रेस में सभी संप्रदाय के लोग थे, पर पृथक निर्वाचन प्रणाली पर कांग्रेस और लीग में समझौता हुआ था। और ये कांग्रेस ने ये तर्क दिया था कि बड़े समुदाय को जो अल्पसंख्यक है, दूसरा बड़ा अल्पसंख्यक है, उसको साथ रखने के लिए कुछ रियायतें जरूरी है। कोई टकराव नहीं था, कांग्रेस ने भी सहमति दी और लीग ने भी सहमति दी। 1920 का आंदोलन देख लीजिए आप, अली बंधुओं और गांधी के नेतृत्व में लड़ा, साइमन कमीशन का विरोध सभी धर्म के लोगों ने मिलकर लड़ा, जिन्ना अगुआ थे इसके, इधर पूरी कांग्रेस थी। तो कहने का मतलब है कि अपने अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने अपने धर्म के आधार पर संगठन खड़ा करने के बाद भी आपस में लोगों में ये समझ थी कि हमारा शत्रु एक है और हमारे राजनीतिक हित एक है, और वो राजनीतिक हित है स्वतंत्रता पाना। जैन साहब, और आप देखिए, हाँ जैन साहब, मेरी एक जिज्ञासा है जी, कि अभी आपने अपने वक्तव्य के अंदर एक बात कही थी जो है वो उसमें तीन चरण जो है उन्हें वो हमें इसे सांप्रदायिकता के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। जैसे एक ही धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, उन एक धर्म के मानने वाले लोगों के अंदर जो है वो हमें एक उदार तरह उदारवादी जो है ना वो
सांप्रदायिकता दिखाई पड़ती है। जी हाँ हाँ, एक उदारवादी जो दृष्टिकोण है वो दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे भक्ति काल को हम लेते हैं तो भक्ति काल के अंदर हमें इस तरह के बहुत उदाहरण मिलते हैं जहाँ एक ही धर्म को मानने वाले जो विभिन्न मतावलंबी हैं, उन विभिन्न मतावलंबियों के बीच में जो है ना वो आपसी संघर्ष नजर आता है। इसके साथ साथ जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके बीच में भी आपसी संघर्ष नजर आता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे हमारे यहाँ पर कबीर तो जो है ना साफ साफ तौर पर कहते हैं, हिंदू कहे वो है राम पिया ना, तुरक कहे रहे माना, आपस में दोनों दो लड़ी लड़ी मुए मर मन काहू जाना। तो आप देखिए वो जो संघर्ष, वो जो धार्मिक टकराव है, वो धार्मिक टकराव हमें मध्यकाल के अंदर भी दिखाई पड़ता है। और साथ ही साथ शैवों और वैष्णवों का टकराव है वो वहां पर दिखाई पड़ता है। उससे पहले अगर हम जाएं तो और जो है वो टकराव नजर आता है। तो क्या वहां से जो है इस संप्रदायवाद का जो है ना वो हम प्रारंभ देख सकते हैं, या ये जो संप्रदायवाद है वो केवल आजादी का जो आंदोलन है उस आजादी के आंदोलन के अंदर जो है वो प्रारंभ हुआ, या इसका उभार हुआ? मैं ये जानना चाहता हूँ। उभार नजर आता है। देखिए मैंने आपको थोड़ा सा इशारा किया था बहुत संक्षेप में कि देखिए जहां मत मतांतर होते हैं तो वहां पर स्वाभाविक तौर पर कुछ न कुछ वाद विवाद होता है, वो कि कोई भी रूप ले सकता है। तो मैं चूंकि मुझे पता है कि धर्म के आधार पर बहुत युद्ध हुए हैं, इस्लाम के आने से पहले यहाँ शैव और वैष्णव खूब लड़े हैं, क्रिश्चियन और इस्लाम खूब लड़े हैं, बौद्ध और हिंदू खूब लड़े हैं, इस्लाम में भी शिया और सुन्नी खूब लड़े हैं। वो तो होता है, देखिए वो तो होता है, वो आप उसको तो नकार ही नहीं सकते। मैं तो चूंकि अपने बात इस किताब के संदर्भ में कर रहे थे इसलिए हिंदू मुस्लिम संस्कृत सांप्रदायिकता पर फोकस मेरा ज्यादा रहा कि क्या, जैसे सक्सेना साहब ने पूछा है कि क्या मुस्लिमों के आने से ही मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता प्रारंभ हो गई? ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से यहां रच बस गए। मुस्लिम शासक यहां 600 साल तक राज करते रहे, 1192 में आ गए थे और 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यहां तो उसके पहले ऐसा कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं था। अगर कोई झगड़े होते थे तो जैसे अवर्णों और सवर्णों में हो जाते थे, पर ऐसा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं था। और मुस्लिम शासकों ने भी यहाँ के पहले के रीति रिवाजों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। यहाँ हिंदू शासकों, देखिए मुस्लिमों के आने के समय हिंदू शासकों ने भी उनको यहाँ पर अपने मुस्लिमों को जो आए बिना शासक वैसे सामान्य प्रजा के तौर पर उनको अपने इस्लाम को मानने की इजाजत दी, अपनी मस्जिदें खड़ी करने की इजाजत दी। कई राज शिवाजी, सबसे बड़ा शिवाजी का उदाहरण बताता हूं मैं, शिवाजी के किले में मंदिर से 40 फुट की दूरी पर शिवाजी ने एक मस्जिद बनाई थी, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अच्छा, इसी तरह से आप देखिए कि भारत तो कई रियासतों में बटा हुआ था और दिल्ली की सल्तनत पर मुस्लिम शासक रहे। तो जैसे मान लीजिए महाराणा प्रताप मेवाड़ के या शिवाजी का औरंगजेब से, तो इनमें भी के मिश्रित सेनाएं हुआ करती थी, होती बिल्कुल, धर्म के आधार पर थोड़ी होती थी, ये धर्म युद्ध नहीं होता था, शक्ति और सत्ता का, धन का और सत्ता के लिए युद्ध होते थे। मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं,
जैसे अकबर का जो अकबर का सेनापति मानसिंह था, औरंगजेब का सेनापति जयसिंह था, है कि समझ, शिवाजी का जो अंगरक्षक था वो मुस्लिम था, महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो आखिरकार सूरी थे, हाँ, अफजल खान, अफजल ले जा रहे थे शिवाजी, तो उसके बॉडीगार्ड रुस्तम खान ने चेताया था कि वो बड़ा लंबा बिना अस्त्र लिए मत जाइए, छुपा के जाइए। तो मिश्रित सेनाएं होती थी और मिलजुल के रहते थे, और अगर ऐसा नहीं है कि झगड़े भी नहीं होते थे, ऐसा भी नहीं है कि मंदिर भी नहीं ढहाए गए, ऐसा भी नहीं कि मस्जिद भी नहीं ढहाए गए, हिंदू शासकों ने अपने मंदिर भी ढहाए हैं, और मुस्लिम औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कुछ मंदिर जो ढहाए हैं वो राजनीति के कारण ढहाए हैं, या एक मस्जिद भी ढाई है जिसमें गोलकुंडा की बहुत प्रसिद्ध मस्जिद थी, वहां के नवाब उसको लगान नहीं दे रहा था, पता चला कि वो गोलकुंडा की मस्जिद में दबा के रखा है, वो मस्जिद को तोड़वा दिया औरंगजेब ने। तो ऐसा नहीं है, मंदिर भी तोड़े गए हैं, मस्जिद भी तोड़े गए। और एक बात बताऊं बस, विजेता और विजित, तो विजेता शासक क्या है कि विजित का ह्यूमिलेशन करने के लिए उसके कुल देवता या मंदिर या पूजा स्थान को नुकसान पहुंचाता ही था, मूल बात तो ये, उसका मान मर्दन करने के लिए, मूल बात। तो कहने का मतलब ये है, हाँ, ये जो मैं बात वापस अब हिंदू मुस्लिम संस्कृति पर और आधुनिक काल पे आता हूं कि 1937 पे पहले कुछ दंगे हुए, 1920 के दशक में जैसे चोरा चोरी का कांड वापस लिया तो मालाबार में हुआ, कोहट का हुआ, पर वो हुए पर ऐसा व्यापक नहीं हुआ, और जनता, आम जनता में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हुआ था, सांप्रदायिकता का विष नहीं फैल गया था। ये खांटी जो सांप्रदायिकता शुरू होती है 1937 के बाद, 1937 का जो प्रांतीय चुनाव है वो भारतीय राजनीति का एक जबरदस्त मोड़ साबित हुआ। वहां कांग्रेस जीती, लीग ने समझौता करना चाहा अपने शर्तों पर, और लीग की बुरी तरह से हार हुई थी, कांग्रेस, अच्छा कांग्रेस समझौता क्यों करती उधर, क्योंकि राष्ट्रवादी जो मुसलमान थे, कांग्रेसी मुसलमान थे, वो भी विरोध कर रहे थे कि भाई जीते अपने कांग्रेस के सिंबल पर है और लीग से समझौता क्यों किया जाए, लीग को क्यों भागीदारी दी जाए, क्यों गठबंधन सरकार बनाई जाए। यहां से जिन्ना थुर सांप्रदायिक होते हैं, और आप देखिए 1940 में प्रस्ताव पारित करवा लेते हैं लाहौर पाकिस्तान का, और फिर परिस्थितियां ऐसे बनती है कि फिर देखिए सांप्रदायिकता का जो जिन्न है वो एक ऐसा जिन्न है कि बोतल में ढक्कन खोल दिया ना एक बार, तो वो जिन्न जिसने खोला है ना वो जिन्न वापस वो भी नहीं डाल सकता उस पर। तो जिन्ना ने और इधर कुछ हिंदू महासभाइयों ने जो सांप्रदायिकता के आधार पर लामबंद हुए जब शुरू हो गई, तो उसके बाद फिर ये बढ़ता ही गया, और बढ़ते बढ़ते इसकी अंतिम परिणति जो है वो हुई सीधी कार्यवाही के तौर पे कलकत्ता में 1946 में। जैन साहब आपने जो है वो इस पुस्तक के अंदर सांप्रदायिकता के कारकों के ऊपर बहुत विस्तार से लिखा है, तो ये जो राजनीतिक कारक है इनकी तरफ तो आपने जो है वो संकेत कर दिया है, राजनीति से इतर कोई कारक है क्या जिनकी चर्चा हमें अपनी बातचीत के अंदर करनी चाहिए? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो इतर कारक कौन कौन से रहे हैं सांप्रदायिकता के, जिनका जिक्र आपने जो है अपनी इस पुस्तक के अंदर किया। जी हाँ, मैं बता था, देखिए 1857 का जो गदर है वो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ा गया था, इसी से अंदाजा लगा लो। और हिंदू जो नहीं, मंगल पांडे ने शुरू किया था 1 मई मेरठ से, और जब ये दिल्ली तक पहुंचा तो सभी हिंदू राजाओं ने तब तक मुगल साम्राज्य का आधिपत्य, चाहे वो नाम मात्र का ही हो, पर स्वीकार था। तो आप देखिए बहादुर शाह जफर को कहा कि भाई आप नेतृत्व संभाल लिए, उसने संभाला भी सही और पिट गए।
अब आप देखिए कि इसकी जो अंग्रेज विजय हुए इसमें और यहाँ अपन भारतीय इसमें पिटे, और चूंकि मुस्लिम नेतृत्व था तो मुसलमानों पर ज्यादा मार पड़ी, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हिंदू ये मुस्लिम के प्रति अंग्रेजों का रवैया सख्त होता गया, और मुस्लिमों ने भी क्या सोचा कि इनसे दूर रहे। अच्छा, उधर क्या है कि भाई यूरोप में ज्ञान विज्ञान हो रहा था, और तो आप देखिए कि हिंदुओं में तो कुछ चेतना आई कि भाई अंग्रेजी का ज्ञान लिया जाए, विज्ञान पढ़ा जाए, मुस्लिमों ने कहा सोचा भी ये, तो ये 50 साल पीछे रहे। तो उधर क्या है कि हिंदुओं में संपन्नता बढ़ी, नौकरियां मिली, व्यापार में भागीदारी हुई, सत्ता में भी थोड़ी थोड़ी उनको वो मिली, तो मुस्लिम इस तो आर्थिक रूप से पिछड़े। ये जब आर्थिक पिछड़ेपन को जब ये पीछे रहे और उधर संपन्नता बढ़ी, तो नेचुरली मानव स्वभाव होता है, एक ईर्ष्या पैदा होती है, तो कुछ ऐसे शुरुआत हो, तो इस शुरुआत को पहचाना मुस्लिमों के जो हुए हैं सर सैयद अहमद खान। उन्होंने क्या है कि अंग्रेजों के प्रति राष्ट्रभक्ति दिखाई और मुस्लिमों को कहा कि नहीं भाई, आपको अंग्रेजी शिक्षा से जुड़नी चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा से जुड़े। और अब क्या नाम से अंग्रेजों की शह पे ही 1906 में मुस्लिम लीग का हुआ, उसकी भी एक अलग कहानी है, वो भी एक राजनीतिक कारण है, क्योंकि वो देख रहे थे कि भाई क्या नाम से हिंदू जो पढ़े लिखे लोग हैं अंग्रेज हो गए हैं, अब वो धीरे धीरे संगठित हो रहे हैं और इनको जो पराधीनता चुभ रही है, तो ये अपने लिए खतरा हो सकते हैं, तो उन्होंने मुस्लिम लीग खड़ा की और उनके इशारे पे ही बनी है। शिमला में वायसराय ने जो है नवाब के ढाका के नवाब को वहां बुलाया था और वो इशारा किया था, तो ये एक राजनीतिक परिस्थिति। तो पहला कारण तो वो आर्थिक जो असमानता रही शिक्षा की वजह से, उसकी वजह से भी थोड़ी थोड़ी सी ये भावना प्रबल हुई। और दूसरा ये है कि आप देखिए फिर सबसे मेरा अध्ययन तो ये कहता है कि देखिए सर सैयद अहमद के प्रयास के बाद भी जो मुस्लिम लोग अंग्रेजी या ज्ञान विज्ञान की तरफ आए, फिर भी वो जब पढ़ लिख गए तो उन्होंने भी समझा कि ब्रिटिश हुकूमत के हम अधीन है। वापस आप देखिए कि हिंदुओं के नजदीक आए, लीग और कांग्रेस इतनी नजदीक आ गई कि दोनों के अधिवेशन एक साल में एक साथ ही हुआ करते थे, कोई मतभेद नहीं था। प्रत्येक निर्वाचन में तुम बता रहा हूँ ना, कांग्रेस और लीग ने आपस में दोनों ने सहमति दी, हालांकि अब वो ये कहते हैं कि भाई प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली ही सांप्रदायिकता का कारण बनी या सांप्रदायिकता की वजह से प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली आया, ये वही बात है कि पहले अंडा आया मुर्गी आई, वो बात अलग है। खैर, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि आप देखिए कि मुस्लिम नवयुवक वापस कांग्रेस से जुड़ने लगे और लीग से भी जुड़े रहे और दोनों में भाईचारा रहा। आप देखिए साइमन कमीशन तक दोनों ने मिलजुल कर विरोध किया, विदेशी वस्तुओं का मिलकर बहिष्कार किया, पिकेटिंग की, सब कुछ साफ करते थे ये सारा जो। और एक बात बताऊं आपको कि ये दूरियां बढ़ाने का जो काम है, मेरे अध्ययन में ये आया है कि इसके पीछे जो ब्रिटिश सत्ता है उसकी कुटिलता थी, उसने ये मैं सैकड़ों कोटेशंस दे सकता हूं अंग्रेजों के कि उन्होंने ये बिल्कुल कहा है कि हम लोगों की नीति से ही हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय हुआ है। भाषा के आधार पे बांटा उन्होंने, बंगाल का विभाजन करके बांटा उन्होंने। अच्छा देखिए, आप सांप्रदायिक अपने यहाँ इतिहास ले, आपने खुद ने एक वक्तव्य में कहा था इतिहास लेखन की परंपरा अपने यहाँ कम रही है, तो आप देखिए सांप्रदायिक इतिहास का लेखन शुरू किया, आप देखो कितनी कुटिलता थी। प्राचीन काल को हिंदू काल कहा, मध्य काल को मुस्लिम काल कहा, पर आधुनिक काल को ईसाई काल नहीं कहा, आधुनिक काल को आदिक काल, ईसाई काल। तो
ये हिंदू काल और मुस्लिम काल कहने के पीछे यही था कि भाई हिंदुओं ने मुस्लिमों पे जालिम जुल्म किए और मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं पे जुल्म किए, ये उनकी नीति थी। और आप देखो मैं मतलब कई अंग्रेजों के कोटेशंस है मेरे पास जो वो स्वीकार करते हैं कि ये हमारी नीति है। साइमन ने खुद ने कहा आप देखो, और ये इसमें सफल भी रहे, बड़ी बात ये है। यहाँ जैन साहब एक बात कहना चाहूंगा मैं जी, कि हम पुस्तक के संदर्भ में चाहे भारत की बात करते हैं, मूल बात जो सांप्रदायिक और सांप्रदायिकता, संप्रदाय से सांप्रदायिकता, ये हर मानव जाति के हर संगठन में देखी जाती रही है कम और ज्यादा। ये क्योंकि एक ऐसी चेतना है जो मनुष्य के संग नैसर्गिक है कि वो अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, कम ज्यादा रही है। उसके कारण आपने बताया हिंदुस्तान में जो कारण पैदा हुए विशेष रूप से उनका आपने जिक्र किया बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि इसको अगर ठीक से यूं बात की जाए कि झगड़ा या भय ये सांप्रदायिकता जब जगाती है जनमानस में, या हमको लगता है इसने जकड़ लिया है हमको, चाहे वो अर्थतंत्र के साथ हो या राजनीतिक परिपेक्ष में हो, तो मुझे लगता है कि ये असंतुलित हो जाने की स्थितियों से ज्यादा होता है, क्योंकि इसे खत्म नहीं किया जा सकता, मेरा अपना सोच है। तो अगर धर्म भी है, राजनीति भी है, अर्थतंत्र भी है और सांप्रदायिकता का भी विषय उसे खत्म नहीं किया जा सकता, वो रहेगा क्योंकि नैसर्गिक है, लेकिन अब वो अगर असंतुलित होता है समाज में मनुष्य के साथ व्यवहार में, तो मनुष्य को अटपटा लगता है, तकलीफ देह होता है, लेकिन अगर संतुलन हो जाए तो ये तकलीफ कम हो जाती है। तो इस दिशा में, संतुलन की दिशा में आप अब समय अवधि को देखते हुए अपनी बात समाप्त कर दीजिए। ये बात बिल्कुल सत्य है। अभी पिछली वार्ता में गर्ग साहब ने कहा कि भाई भले ही हम ज्ञान विज्ञान के युग में रह रहे हों, है ना, अच्छे मकानों में और अच्छे कपड़ों में और अच्छे यंत्रों का उपयोग कर रहे हों, पर वो गर्ग साहब की बात मुझे ठीक लगती है कि अभी तक भी जो प्रिमिटिव एज में जो मानसिकता थी वो मेरे ख्याल से वो बात सही लगती है। और एक बात जो मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा, मेरा अपना मानना ये है कि ये सारा झगड़ा जो है ना वो है मेरा, ठीक कह रहे हैं, मेरा। देखिए झगड़ा यहां से शुरू होता है कि मेरा धर्म महान, मेरा मेरी जाति महान, मेरा संप्रदाय महान, मेरा देश महान। तो जहां ये होगा, अगर ये कहें कि सभी जातियां समान, सभी राष्ट्र समान, सभी धर्म महान, तो कोई झगड़ा ही नहीं है। तो झगड़ा तो मैं जहां तक सोचता हूं वो है मेरा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक युवक है, वो किसी भी एक धर्म का है और दूसरे धर्म से मान लीजिए संघर्ष हो जाता है, मारकाट होता है, दूसरे धर्म के व्यक्ति को वो कत्ल कर देता है। इसलिए करता है कि मेरा धर्म महान और मेरे धर्म के बारे में ऐसा गलत क्यों किया तुमने, इसलिए तुझे जीने का अधिकार नहीं, मेरा धर्म। अब अगर मान लीजिए उसे ये कहा जाए बाद में कि भाई ये एक बात है कि जिस धर्म धार्मिक परिवार, जिस परिवार में रह रहे हो और जिस परिवार में रह रहे हो उस परिवार का जो धर्म है उसमें तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, तुम्हारा उसी धर्म में जन्म हुआ था जिस व्यक्ति को तुमने कत्ल किया था, पर वहां पालने वाला नहीं था, माँ बाप मारे गए थे और इस परिवार ने तुम्हें पाला। अब आप सोचिए वो क्या करेगा, अब कहां गया उसका धर्म महान। अब वो तो कहने का मतलब है कि
जब ये अहम आता है ना तभी टकराव शुरू होता है। अगर ये सोच ले कि भाई देखिए भाई सभी धर्म जो है अपनी जगह ठीक है, उनकी उपासना पद्धति अलग है, मेरी उपासना पद्धति अलग है, है? वो मस्जिद जाते हैं, मैं मंदिर जाता हूं, वो गुरुद्वारा जाते हैं, वो चर्च जाते हैं, और सभी का धर्म का, धर्म का मतलब ही क्या है भाई? करुणा, प्रेम, धैर्य, सहिष्णुता, यही तो धर्म बताते हैं। पर झगड़ा तो यहां आता है कि मेरा धर्म, मेरे धर्म के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, मेरे धर्म के लोगों को गलत, इसका नीचा समझ आ गया। आपके विचार से कुछ कुछ निराकरण दीजिए ना आप पुस्तक के हिसाब से। हाँ, जी देखिए, देखिए इसमें सबसे पहला निराकरण तो मैं चूंकि गांधी का अध्येता हूं, ठीक है, तो गांधी का जो एकादश व्रत में जो है वो है सर्वधर्म संभाव। अच्छी बात। अगर व्यक्ति इस एक धर्म का, इस एक व्रत का भी पालन कर ले, देखिए गांधी कहा करते थे कि मैं हिंदू भी हूं, मैं मुसलमान भी हूं, मैं ईसाई भी हूं, क्यों, मैं कुरान भी पढ़ता हूं, मैं बाइबल भी पढ़ता हूं, मैं गीता भी पढ़ता हूं और सभी से शिक्षा ग्रहण करता हूं। तो अगर देखिए भाई बात यह है कि आप अपने नाप का जूता पहनो, दूसरे को अपने नाप का जूता पहनने दो ना, आप अपने नाप का जूता पहनाने का क्यों प्रयास करते हो आप? वो तो उसको तकलीफ देगा, वो तो तकलीफ देगा ना। अच्छा दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि महावीर का शादवा, देखिए महावीर से जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो उनसे पूछा हुआ कि भाई आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ये क्या अंतिम सत्य है? तो महावीर ने जवाब दिया शायद, उन्होंने कहा ये नहीं बस ये अंतिम, झगड़ा यही है कि मैंने कहा जो सत्य है उसके अलावा कोई, देखिए आइडेंटिटी पर जब जोर होता है ना, आइडेंटिटी पर, मेरी आइडेंटिटी, बस इसके लिए किताब सुझाऊंगा श्रोताओं को, अमर्त्य सेन की आइडेंटिटी एंड वॉयलेंस। किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी नहीं है भाई, जैसे मैं हिंदू हूं तो केवल हिंदू नहीं हूं, मैं भारतीय हूं, भारतीय में भी राजस्थानी हूं, राजस्थानी में भी एक शिक्षक हूं, शिक्षक में भी मैं इतिहास पढ़ता हूं, मैं लिखने में भी रुचि रखता हूं, कविता सुनने में भी मुझे पसंद आता है, फिल्में भी मैं देखता हूं, क्रिकेट खेलना मुझे पसंद है, फुटबॉल के मैच देखना पसंद है, समलैंगिक जो संबंध है उनका मैं समर्थन करता हूं। कई पहचाने हैं आपकी, आप इसी बात पर जोर देंगे क्या कि मैं या वो व्यक्ति केवल हिंदू, केवल हिंदू? अरे भाई वो अच्छा खिलाड़ी भी है, अच्छा इतिहासकार भी है, अच्छा मनोवैज्ञानिक भी है, सभी आइडेंटिटी तो कई तत्वों से बनती है, तो सभी तरह की आइडेंटिटी को स्वीकार करो ना, एक आइडेंटिटी पे जोर दोगे तो क्लेश होगा। सही बात। दूसरी बात, आपका कोई प्रश्न तो करिए ना। हाँ, इन आइडेंटिटीज के झगड़े के अंदर मनुष्यता खतरे में नहीं पड़ रही है क्या? सबसे बड़ा संकट तो आइडेंटिटीज में जो है वो मनुष्यता के ऊपर, मनुष्यता पर संकट खड़ा कर दिया है। ठीक। और आज की जो चुनौती है वो यही है कि चाहे वो सांप्रदायिकता हो, चाहे वो भाषाई विवाद हो, चाहे वो क्षेत्रीय विवाद हो, है, चाहे वो राजनीतिक मत मतांतर हो, इन सब के इन सब ने मिलकर के जो मनुष्य की पहचान है ज्यादा उसको आहत किया है, और इस मनुष्य की पहचान को बचाए रखने का जो तरीका है वो तरीका गांधीवादी दर्शन के अंदर, जैसा अभी आपने बताया कि भाई एक तो सर्वधर्म संभाव, इसके अलावा गांधीवादी दर्शन के अंदर जो है उस मनुष्य की जो आइडेंटिटी है उसको बचाए रखने का
कौन सा तरीका है, सही मनुष्य को बचाए रखने का कौन सा तरीका है? भाई मैं तो चूंकि ये मान लो कि थोड़ा आशावादी हूं, जब जब भी समाज में मूढ़ता आती है, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर आए, वो धर्म को लेकर आए, संप्रदाय, भाषा है, वर्ग, लिंग के आधार पे, किसी भी आधार पे आए, मैंने देखा कि जब जब भी कहीं इस तरह से मूढ़ता आती है तो जैसे एक घने अंधेरे के बाद में प्रकाश होता है, तो अभी अपन को जैसे लग रहा है कि भाई जैसे रूस यूक्रेन, अब आप देखिए रूस यूक्रेन में अब वही तो है ना आइडेंटिटी, अब वो पुतिन की एक एक सनक है कि उसने युद्ध को साल भर से झोंक रखा है। तो मेरे कहने का मतलब है इससे बचने के उपाय जो है ना, ये दो बड़े उपाय के अलावा, जैसे एक तो ये है कि जो सांप्रदायिक तत्वों का ना उनको वैधिकरण, उनको मान्यता देने का से भी बचना चाहिए कि भाई उन लोगों को जो है ना अखबारों में जगह मिल जाती है, टीवी में मिल जाती है, मंच मिल जाते हैं, तो उनसे भी बचना चाहिए। देखिए वो सांप्रदायिकता के आधार पर भी जो है ना एक तरह की पहचान निर्मित होती है, पहचान है मत, तो कहने का मतलब यह है कि उनको उनको वैधता भी देने से बचना चाहिए, मान्यता देने से भी बचना चाहिए ऐसे तत्वों को। और इसमें और बात है कि प्रेस की भी बड़ी भूमिका है आज तो, चूंकि बड़ा एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो आप देखिए कि सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, तो सोशल मीडिया में ऐसी चीजें डाले, देखिए इतिहास पढ़ने का मकसद ये होता है कि अतीत में जो भूलें की है उनसे हम बचें, ठीक है, और जो अच्छी बातें हैं उनको आगे बढ़ाएं भविष्य के लिए, यही उद्देश्य है। तो प्रेस की बड़ी भूमिका हो सकती है इसमें। दूसरा ये है कि जो सांप्रदायिक जो अवसर लेके और जो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति के लगे लगते हैं, उनके साथ कोई समझौता या कोई तुष्टिकरण भी नहीं होनी चाहिए। कितना ही बड़ा व्यक्ति हो उसका तुष्टिकरण भी नहीं होना चाहिए, इससे भी बचा जाना चाहिए। और एक और एक एक और सबसे बड़ी बात है, गांधी कहते थे कि उचित शिक्षा, ऐसी शिक्षा नहीं है कि भाई अच्छे सीए या डॉक्टर इंजीनियर, उससे क्या होगा भाई, जर्मन भी बहुत शिक्षित था पर क्या नाम से आप देखो कि हिटलर ने घुमाई दिया, सही कह रहे हो, तो उस शिक्षा का क्या मतलब है? ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति को विवेक में बांधे। अंतिम बात मैं एक छोटी सी कथा से पूरी करूंगा, टाइम पूरा हो रहा है, मतलब हम अपने विवेक को बंधक न रखें, अपना विवेक जागृत रखें, किसी के बहकावे में नहीं आए। एक कथा छोटी सी है, दो मिनट की, दो ही मिनट बचे हैं अपने पास, तो वो ये है जी कि एक ऊंट का कबीला था जिसमें 100 ऊंट थे, तो वो क्या है कि वो एक का एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा था, रास्ते में रात हो गई, रात हो गई तो वो काफिला वहीं रुकना पड़ा। अब वो 100 रस्सियां थी और 99 ऊंट थे, 99 रस्सियां थी और 99 खूंटियां थी, सबको बांध दिया और सब बंध गए और ऊंट बैठ गए। अब एक बैठे नहीं, अब एक बेटे नहीं तो वो धर्मशाला पास में थी, तो वहां गया कि भाई साहब कोई खूंटी हो तो दे दो, रस्सी दे दो ताकि इसको बांध दूं, ये चला जाएगा रात में इधर उधर। तो कहते भाई रस्सी तो नहीं है पर उपाय बता सकता हूं, क्या उपाय बताऊं? कहते ऐसा करो वो ऊंट खड़ा है ना, उसके ऐसा उसको ऐसा लगे कि भाई जैसे रस्सी बांध रहा गले में कोई हाथ में, तो उसके गले में हाथ फेरो और उधर दूसरा ऊंट बंधा हुआ ना उसका कील लेके जाकर हथौड़े से बजाओ, उसको ये सुनाई दे कि कील ठोक रहा है, ऊंट सुन रही ये बात, ठीक है? तो वो क्या नाम है साहब, आप देखो कि चमत्कार हो गया, ऊंट बैठ गया। अब सवेरा हुआ तो ऊंट सबकी सांकले खोली, रस्सियां खोली और खूंटे निकाले, सब ऊंट उठ गए चल दिए, अब वो एक ऊंट उठे ही नहीं। जब तक उसको ये एहसास नहीं कराओगे आप, नहीं उसने फिर गया साहब ये क्या कर दिया आपने, कहते भाई जैसे बांधने का नाटक किया ना वैसे खोलने का नाटक, वैसे खोलने का करो, उसके गले में हाथ फेरो कि भाई रस्सी खोल रहा हूं और खूंटी को हिलाओ यूं दूसरी को, उसको लग जाएगा भाई खूंटी खोली जा रही है। तो आप देख लो वही किया, ऊंट खड़ा हो गया चल दिया। तो कहने का मतलब है
कि आपने कहा है ना मनुष्य कि कैसे बचे, तो एक ही उपाय है कि उस ऊंट की तरह न हो कि गले में कुछ भी बांध दिया और बस चल दिए। तो क्या है कि भाई ऐसे लोगों से बचे, विवेकशील होने की बात है, विवेकशील होने की बात है, पढ़े लिखा किताबें पढ़ लिख लेने से विवेकशील होने की बात है। तो अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, ये समय की बातें तो है, ऐसे जो है वो बातचीत को यही रोकना पड़ रहा है, बाकी जो समय की पत्रता है वरना तो बहुत सार्थक अगली श्रृंखला के अंदर, अगली श्रृंखला के अंदर ये बातें अपनी और होगी, आगे इसको जोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज के बिल्कुल बिल्कुल, आपने आपने समय निकाला, बहुत मंच आप लोगों ने मंच, और भाई देवेंद्र जी के प्रति विशेष रूप से आभार, विशेष उन्होंने जो है, मैं सक्सेना साहब, मनु शर्मा साहब, देवेंद्र जी, जन सरोकार मंच का आभारी हूं कि मुझे आपने अपनी बात कहने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये मंच तो आपका है। नमस्कार।